अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने सनल स्कैडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का टॉपिक है दास्तान। कुछ वजूहात के चलते ये दास्तान वाला टॉपिक पहले छूट गया था और नावल वाला टॉपिक पहला गया था। जैसा कि आपके सिलेबस का पैटर्न है, सिलेबस में पहला दास्तान दिया गया है, तो कोई बात नहीं, दास्तान का टॉपिक बाद में पढ़ लेते हैं। दास्तान का टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही करता चलता हूँ मैं आपको। जैसे आप सिलेबस अगर चेक करें आपका वापस जाकर, तो आपके सिलेबस में जो प्रोज़ का जो हिस्सा है, सेक्शन ए जो है, उसका पहला जो टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक क्या है, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तका, और ये कंप्लीट करवा चुके हैं। दूसरा टॉपिक है उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ और इर्तका। अब दास्तान निगारी के बारे में सिर्फ बात है, आगाज़ और इर्तका के बारे में, लेकिन किसी दास्तान गो का नाम नहीं दिया गया है किस दास्तान गो के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पैटर्न पढ़ने का क्या रहेगा कि हम पहले उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तका पढ़ लिया है, अब दास्तान निगारी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद नावल निगारी हम पढ़ चुके हैं, नावल निगारी के बाद हम अफसाना निगारी पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाइया निगारी पढ़ेंगे, फिर ड्रामा निगारी पढ़ेंगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, सारे असनाफ के बारे में हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा पहले वाले पेज पर जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, वापस उर्दू नावल निगार कितने हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिर्ज़ा हादिर उस्वा, फिर कुर्रतुल ऐन दर, प्रेमचंद, जिलानी वानो, इस्मत चुगताई, इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये सारे नावल निगार जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम अफसाना निगार की लिस्ट में आएंगे, फिर प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद, इसमत चुगताई, मंटो, अहमद नदीम कासमी, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यही सिस्टम हमारा प्रोज में भी रहेगा और यही सिस्टम हमारा पोइट्री में भी यही सिस्टम रहेगा। पहले हम पोइट्री की जितनी असनाफ हैं, गज़ल, नज़्म, मसनवी, मरसिया, पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनके शायरों के बारे में, जो भी गज़ल को शोर है, उन सब के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, दास्तान। अब दास्तान के बारे में क्या क्या बातें हैं मैं आपको बीच में निशानदेही करता चलूँगा और बताता चलूँगा। किसी भी वाक़े और किस्से को कहानी कहते हैं, जो सच्ची भी हो सकती है और फर्जी भी। फर्जी यानी मनगढ़ंत, काल्पनिक। तो कोई भी वाक़ होता है वो क्या होता है, एक कहानी होती है, और कहानी सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। फिर फर्जी कहानी में अगर किसी किरदार की सारी ज़िंदगी को पेश किया जाए तो उसे नावल कहते हैं, और अगर ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पेश किया जाए तो उसे अफसाना कहते हैं। कोई कहानी है किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में, है किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई बात है, और कहानी अगर सच्ची है, किसी किरदार के बारे में उसकी ज़िंदगी की पूरी बात बताई गई है, वो नावल कहलाता है। और अगर उसकी ज़िंदगी से मुतालिक कोई एक ख़ास बात के बारे में, कोई ख़ास इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है, उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास हिस्सा पेश किया जा रहा है, तो अफसाना कहलाएगा। और अगर कहानी मनगढ़ंत है तो वो क्या कहलाएगी, दास्तान। क्या कहलाएगी दोस्तों, मनगढ़ंत कहानी क्या कहलाती है, दास्तान कहलाती है। और अगर किसी कहानी का किरदार, किसी कहानी को अदाकारी के ज़रिए पेश किया जा सके तो उसे ड्रामा कहते हैं। और अगर उसी इंसान की कहानी को पेश किया जाए अदाकारी करके, एक्टिंग करके पेश किया जाए, उसे ड्रामा कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, असनाफ है। अब असनाफ से रिगार्डिंग पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, मौजू के लिहाज से नसर की अकसाम। पहले तो आप ये जानें कि उर्दू में अकसाम, उर्दू में नहीं बल्कि हर लैंग्वेज में अकसाम कितनी होती है, दो होती है मोटे तौर पर। जैसे हिंदी में होती है गद्य और पद्य, इंग्लिश में होती है पोइट्री और प्रोज, इसी तरह उर्दू में भी होती है नज़्म और नसर। तो नज़्म की असनाफ अलग होती है और नसर की असनाफ अलग होती है। नसर की जितनी भी असनाफ होती है उन सबको भी दो बड़े हिस्सों में बाँटा जाता है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, एक होता है अफसानवी अदब, एक होता है गैर अफसानवी अदब, जिसे इंग्लिश में अफसानवी अदब को फिक्शन कहा जाता है और गैर अफसानवी अदब को नॉन फिक्शन कहा जाता है। अब ये दो बड़े हिस्से होते हैं नसरी असनाफ के। अब ये दो बड़े हिस्सों में क्या क्या होता है वो समझें। अफसानवी नसर यानी अफसानवी हिस्सा, जो फिक्शन वाला हिस्सा है ना, अफसानवी नसर में वो तमाम नसरी असनाफ आ जाती है जिनमें कोई कहानी बयान हुई हो। अफसानवी फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या बड़ा अंतर है, क्या बड़ा फ़र्क है। फिक्शन का मतलब होता है ऐसी नसर जिसमें कोई ना कोई कहानी हो, कुछ भी हो सकती है, कोई बात ऐसी पेश की जा रही है जिसमें कोई कहानी का रूप हो।
और नॉन फिक्शन में किसी भी तरह की कहानी नहीं होती, लेकिन होता नसर ही है। अब ये किस तरह की होती हैं वो देखें। तो अफसानवी नसर में क्या क्या होते हैं, दास्तान, ड्रामा, नॉवल, नॉवलेट, अफसाना और भी वगैरह बहुत सारे अफसान होती हैं, बहुत सी असनाफ होती है। दास्तान में कोई ना कोई कहानी होती है, ड्रामा में कोई कहानी होती है, नावल में कोई कहानी होती है, नॉवलेट ये नावल से छोटा होता है और अफसाने से थोड़ा बड़ा होता है, और अफसाने में भी कोई कहानी होती है। जिन सब में कहानी होती है ये सब कहलाता है अफसानवी अदब। गैर अफसानवी नसर में वो तमाम नसरी असनाफ शामिल हैं जिनमें कहानी का उनसर नहीं होता, कहानी का कोई तत्व मौजूद नहीं होता, जैसे सवाना निगारी, शख्सियत निगारी, खाका निगारी, सफ़रनामा, रिपोर्टाज, मजमून, इंशाइया, तनखीद वगैरह। ये सब जितनी भी असनाफ हैं ये सारी गैर अफसानवी है, इससे कहेंगे नॉन फिक्शन, और इन सभी में कोई कहानी का रूप पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं फिक्शन, यानी ये अफसानवी अदब है और ये गैर अफसानवी अदब है। अफसाने से मुराद आप समझ लीजिए कहानी को अफसाना कहते हैं। अब बात चलती है अफसाने के से बढ़कर दास्तान की तरफ। दास्तान आमतौर पर एक ऐसी तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश यानी इंटरेस्टिंग अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे, और वो ये सोचता रहेगा कि अब आगे क्या होगा। दास्तान वही है जिसमें कोई कहानी हो और पढ़ने वाला ये सोचता रहे, सुनने वाला ये सोचता रहे कि अब आगे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका रहस्य, उसका आश्चर्य बना रहे, बरकरार रहे। यही क्या है, दास्तान है। आम जबान की भाषा में आप यूँ समझ सकते हैं दास्तान के लुगवी और इस्तिलाही माना। अब इसकी परिभाषा क्या है दास्तान की वो देखें। दास्तान फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तवील किस्सा कहानी के हैं। ये गलत है, कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं, किस्से के मानी भी कहना और बयान करना के हैं। दास्तान कहानी की सबसे अव्वलीन और कदीमा किस्म है। सबसे पहले जो कहानी कही जाती थी वो क्या कहलाती थी, दास्तान कहलाती थी। बाद में इसका किरदार, इसका रूप धीरे धीरे बदलता गया। तो ये सबसे अव्वलीन यानी सबसे प्रथम प्राथमिक तौर पे जो कहानी कही जाती थी वो दास्तान कहलाती थी। कदीमा यानी सबसे पुरानी है। इस्तिलाह में दास्तान वो किस्सा कहानी है जिसकी बुनियाद तखय्युल, रोमान और फौकुल फितरत के अनासिर पर हो। इस्तिलाह में पारिभाषिक तौर पर दास्तान क्या है, जिसकी बुनियाद, जिसका स्तंभ क्या है, तखय्युल। तखय्युल कहते हैं ख्याल से, कोई ना कोई ख्याल इसमें पेश किया गया हो, रोमांच जिसमें हो, फौकुल फितरत कहते हैं काल्पनिक चीज़ों को, जिसमें काल्पनिक चीज़ों को समो लिया गया हो, वही क्या कहलाती है, दास्तान कहलाती है। कहानी की किस्म होने के नाते से दास्तान लिखने और पढ़ने से ज़्यादा कहने और सुनने की चीज़ है, और माफ्यूज ज़मीर का फौरी और जल्द इजहार लिखने से ज़्यादा कहने में होता है। शायद इसीलिए शरर ने दास्तान को फिल बदिया तसनीफ कहा है। दास्तान गो का अंदाज़ बराह रास्त खिताब होता है, मसलन वो हमेशा सामईन सुनने वालों को लो, सुनो वगैरह कहकर मुखातिब करता है। यानी दास्तान लिखने पढ़ने से ज़्यादा सिर्फ कहने और सुनने की चीज़ है। इसको कहने में जो अंदाज़ बयान किया जाता है वही दास्तान का खूब दास्तान की खूबसूरती है। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा माफ़ुक़ुल फितरी वाक़यात, काल्पनिक घटनाएं पेश की जाती है। किसमें, दास्तानों में भी पेश किए जाते हैं। इसमें जिन, परी और देव वगैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत से बईद हों, बईद यानी बहुत दूर हों, ऐसी चीज़ जो इंसानी फितरत में होना पॉसिबल नहीं हो, वो सब बयान किए जाते हैं। हुस्न इश्क की रंगीन बातें, शहजादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पैचीदगियाँ, उलझने, हैरत व इस्तेजाब के तवील सिलसिले, ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत दास्तान के वो लाजिम अज्ज़ा हैं जो कारी के लिए दिलचस्पी और दिलबस्तगी और मुसर्रत का सामान फराहम करते हैं। आम तौर से दास्तानों के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं, या एक किस्से के अंदर दूसरे नए किस्से बयान किए जाते हैं। अब कितनी बातें आपके समझ में आई और कितनी नहीं आई वो देखते हैं। दास्तान का पहला कॉन्सेप्ट है काल्पनिक। दास्तान पूरी कैसी होती है, मनगढ़ंत होती है, ऐसी कहानी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए इसमें जिन, देव, परी, उड़ने वाले कालीन, जादुई चिराग, ये सारी चीज़ें क्या है, काल्पनिक चीज़ें, मनगढ़ंत चीज़ें, ये सभी दास्तान है। ये सभी क्या है, दास्तान है।
अब इसमें क्या है, शहजादों के परियों की मुलाकातें हैं, जबकि परियों से मिलना मुलाकात करना पॉसिबल नहीं है। इश्क मोहब्बत की बातें, वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझने, हैरत व इस्तेजाब। इस्तेजाब कहते हैं ताज्जुब किया जाए जिन बातों पर, ये छोटे से चिराग में से जिन कैसे निकल आया, ये ताज्जुब की चीज़ें। तवील सिलसिले, तवील कहते हैं बहुत लंबे, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ। दिलकशी और लताफत, लताफत बना है लुत्फ से, लुत्फ का मतलब होता है इंटरेस्ट, रुचि, जिसमें मज़ा आए सुनने वाले को, बस मज़ा आए भली सारी बातें कैसी हो, फालतू हो, जिन बातों का कोई औचित्य नहीं हो, जिन बातों का कोई सेंस नहीं हो, वो सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। बस सुनने वाले को, कारी को, क्या कारी कहते हैं सुनने वाले को, तो कारी को, पढ़ने वाले को इसमें क्या है, बस इंटरेस्ट आए, मज़ा आता रहे बस। दिलचस्पी और दिलबस्तगी, दिलचस्पी कहते हैं इंटरेस्टिंग को, रुचि को। मुसर्रत का सामान फराहम करती है, मुसर्रत कहते हैं खुशी को, इंसान को सुनने से बस खुशी हासिल हो, उसे मज़ा आने लगे, वही क्या है दास्तान है। यूं तो दास्तान के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं, एक किस्सा ख़त्म हो जाता है, दूसरा किस्सा, दूसरा किस्सा ख़त्म हो जाता है, तीसरा किस्सा, अलग अलग किस्से, एक ही दास्तान में बहुत सारे किस्से होते हैं। जैसे आपने हातिम ताई का किस्सा सुना होगा, है ना, उसमें एक सवाल, फिर दूसरा सवाल, फिर सात सवाल, हर सवाल में अलग अलग कहानी, तो ये दास्तान का एक रूप है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही दास्तान में छोटा किस्सा, किस्से में दूसरा किस्सा, उस किस्से में भी ज़ेली किस्से, और उस ज़ेली किस्से में और ज़मीनी किस्से, और बहुत सारे शामिल होते हैं। यही दास्तान की क्या है, खूबसूरती है। अब बात करते हैं दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी या खसूसियात पर, दास्तान में क्या खासियतें हैं, दास्तान की कौन से अज्ज़ाए तरकीबी हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दास्तान बहुत पुरानी किस्म है, सबसे पुरानी सिन्फ है, इसलिए इसके लिए कोई तश्कील नहीं है, किसी चीज़ की कोई अज्ज़ाए तरकीब इसके लिए मुतय्यन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर दास्तान गो ने इन चीज़ों को लाजिम व मलजूम करार नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने शौकियाना तौर पर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है ताकि कारी को या सुनने वाले सामाईन को इन चीज़ों में इंटरेस्ट हासिल हो। तो इस तरह दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी कितने बताए उन्होंने, 9, कितने शामिल किए हैं, 9। अब आप कहोगे नंबर उल्टे क्यों हैं, क्योंकि उर्दू में नंबर 1, 2, 3, 4 इसी तरह शामिल किए जाते हैं, लेकिन नंबरिंग मैंने रोमन इस्तेमाल की है। दास्तान जिन अनासर या अज्जा से तश्कील पाती है उसे दास्तान के अज्जाए तरकीबी, खसूसियात, लवाजमात या फ़नी अनासर भी कहा जाता है। एक मयारी दास्तान बिलमूम मंदरजा ज़ेल अज्जा से तरकीब पाती है। अब वो 9 अज्जा कौन कौन से हैं ये आपको बस ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, दास्तान का जो आपका टॉपिक है इससे कोई ज़्यादा सवाल बनने वाले नहीं हैं, दास्तान के टॉपिक से कोई ज़्यादा सवाल बनने के इम्कान बहुत ही कम रहते हैं, तो आप इस चीज़ को भी लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी दास्तान किसने लिखी है, तो कुछ दास्तान गो के और उनकी खास खास दास्तानों के नाम और कब वो लिखी गई थी उनका टाइम वाइम याद रखना है, जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, वहीं से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी चीज़ें चूँकि टॉपिक है तो सभी चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम बारी बारी सारा टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए अब ये 9 अज्जा कौन कौन से हैं पढ़ते हैं एक एक करके। पहला अज्जा है प्लाट, इसको इंग्लिश में प्लाट कहते हैं, उर्दू में इसको प्लाट कहते हैं। हर दास्तान की बुनियाद किसी न किसी प्लाट पर रखी जाती है, इसके बगैर दास्तान का तसव्वुर बेमानी है, कोई मतलब ही नहीं अगर प्लाट नहीं है तो। उर्दू दास्तानों के प्लाट में तनव्वो की कमी होती है, बिलुमूम तमाम दास्तानों के प्लाट एक जैसे होते हैं। हीरो किसी मकसूद को हासिल करना चाहता है मगर बहुत सी मुखालिफ कुव्वतें मज़ाहिम होती हैं, वो हिम्मत और शुजात के साथ उनका मुकाबला करता है और बिलाखिर याब फतह याब होता है। दास्तानों के प्लाट अपनी यकसानियत के बावजूद दास्तानों का अहम जुज़ू हैं, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। दास्तानों का प्लाट बिल्कुल सिंपल होता है कि दास्तान में एक हीरो होता है, उससे कोई ख़ास मकसद हासिल करना होता है और मकसद हासिल करने के लिए वो बहुत सारे कामों से, बहुत सारे चरण से, बहुत सारे मराहिल से गुज़रता है और अपनी बहादुरी के, अपनी शुजात के सारे मरहले तय करके उनको तय करता है और आखिर में उस मकसद में कामयाब हो जाता है जो मकसद उसमें, जो उसको चाहिए होता है। यानी अगर हातिम ताई वाला किस्सा भी देख लें तो उसको एक परी होती है जो पत्थर की बन जाती है, उसे वो पत्थर की परी को वापस के इंसान यानी वापस उसे परी के वेश में लाना होता है। उसके लिए लाने के लिए उसको 7 सवाल तय करने होते हैं, वो 7 सवाल पूरे करने के लिए हर बार नए नए पछड़े में फंसा जाता है और नए नए आगे मराहिल से गुजरता जाता है। दूसरा है तखय्युल और रोमान, तखय्युल बना है ख्याल से, रोमान यानी रोमांच, इंटरेस्ट। हर दास्तान गो सामईन को एक ऐसी दुनिया तखय्युलात की सैर कराता है जो उनके लिए अनदेखी और बिल्कुल अजनबी होती है। इस रोमानी और ख्याली दुनिया के हर शय, इंसान और हैवान, नबातात और जमादात, गरज पूरी फ़ज़ा और माहौल अनोखी और निराली होती है। यानी एक दास्तान गो जो होता है वो एक ऐसे ख्याल से एक ऐसी दुनिया बनाता है
जो आम इंसान के दिमाग से बिल्कुल परे होती है, ऐसी दुनिया जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होती है, वो सब चीज़ें उसको क्या करता है, बताता है। वो बताता है कि एक चिराग होता है जिसमें से जिन निकलता है, एक कालीन होता है, एक चटाई होती है जिस पे इंसान बैठ के उड़ा करते हैं, ये सब इन चीज़ें इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन दास्तान को इस तरह की बहुत सारी फालतू चीज़ें, एक बोलने वाला पेड़ होता है, बोलने वाले जानवर होते हैं, चलने वाले पेड़ होते हैं, बोलने वाले पत्थर, चलने वाले पहाड़ होते हैं, ऐसी सब चीज़ें जो इंसानों के दिमाग से क्या होती है, बईद होती है, ऐसे तखयलात की क्या कराता है, सैर कराता है। और जब कारी होता है, जो दास्तान सुनने वाला होता है, वो धीरे धीरे सुनते 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 दास्तान के उस एंड पे पहुंच जाता है कि उसको लगता है ये सब कुछ चीज़ें क्या हकीकत में हो रही है, और वो सभी चीज़ों को अपने दिमाग में इमेजिन करने लग जाता है कहाँ सभी कुछ होता होगा। तीसरा है माफूकुल फितरत अनासिर, ये दास्तान का एक जुज्व है और सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माफूकुल फितरत अनासिर, काल्पनिक घटनाएँ, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है, हकीकत में जिनका कोई भी वजूद ना हो। दास्तान में कदम कदम पर जिन, देव, परियां, सहर यानी जादू, तिलिस्मात जादू, ताइद गैबी, इसमें आज़म, लोहे और खजर वगैरह से मुलाकात होती है। सही मानों में दास्तान की बुनियाद यही फौकुल फितरत और गैर इंसानी अनासिर है। इनके बगैर किसी दास्तान में दिलचस्पी और दिलकशी पैदा होना मुश्किल है। अगर सोचिए दास्तान में जिन की, परियों की, देव की, भूतों की और इन सब की बातें ना की जाए तो दास्तान सुनने वाले में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए दास्तान का सबसे अहम जो उसे माना जाता है माफूकुल फितरत ही अनासिर, जबकि नॉवेल, अफसाना वगैरह इन सब चीज़ों में इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। चौथा जुज़ है मिसाली किरदार, दास्तान कहने के बाद, दास्तान कहते वक्त दास्तान को ध्यान रखता है एक कैरेक्टर के बारे में, एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, एक मिसाली किरदार, लोगों में एक मिसाल कायम करने के लिए एक किरदार पेश करता है। दास्तान में हमें मिसाली किरदारों से वास्ता पड़ता है। हीरो में दुनिया भर की खूबियाँ और अच्छाइयाँ होती जमा होती है। वो फौकुल फितरत कुव्वतों का मालिक होता है। हीरो ही नहीं, दास्तान के सारे इंसान अजीबुल खलकत होते हैं, खैर के मुजस्मे और बदी के पैकर होते हैं। यानी दास्तान में जितने भी किरदार पेश किए जाते हैं वो सभी बहुत अच्छे, बहुत नेक, बहुत हिम्मत वाले, दुनिया की सारी खूबियाँ उसमें पेश होती है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे साउथ का हीरो है ना, साउथ की मूवीज़ वगैरह होता है ना, एक हीरो होता है और 50 तरह के गुंडे होते हैं, वो अकेला ही मार देता है। साउथ के 50 गुंडे होते हैं, 100-100 गोलियाँ चला रहे होते हैं, वो एक भी हीरो के नहीं लगती है। हीरो का आदमी एक छोटा सा चक्कू होता है 3 उंगली वाला, और उसको 50 गुंडों को मार देता है। इस तरह के मिसाली किरदार किस में पेश किए जाते हैं, दास्तानों में। अगला टॉपिक है, अगला जुज है खिताबत और रंगीन बयानी। खिताबत कहते हैं लिखने को। एक दास्तान को खिताबियाना लहजा अख्तियार करता है, उसकी ज़बान में बड़ी रंगीनी और चाशनी होती है, मिठास होती है। दास्तान गो का उसलूब अमूमन पुरतकल्लुफ़ और मसज्जा मुकफ़ा होता है। दास्तान गो किस्से की अजीब व गरीब तफसीलात के साथ पुर रौब ज़बान व बयान के ज़रिए भी सामे को मुतासिर और मसहूर कर देता है। मसहूर कहते हैं जिस पर सहर किया गया हो, यानी जिस पर जादू कर दिया गया हो, वो क्या कहलाता है, मसहूर। यानी दास्तान सुनने वाला ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो, उसको सब बातें क्या लगती है, हकीकत लगने लग जाती है, और वो दास्तान में ऐसा खो जाता है जैसे वो सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने हो रही हो। और दास्तान लिखने वाले का जो तरीका होता है, उसकी ज़बान जो होती है, वो बड़ी मुकफ़ा और मुसज्जा और पुरतकल्लुफ़ होती है। यानी उसमें तकल्लुफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यानी जब वो किसी भूत से बातें करवा रहा है, भूत से कोई कलाम करवा रहा है, तो भूतियाना लफ्ज़ अल्फाज से करवा रहा है। अगर वो हीरो की बात कर रहा है तो हीरो की लैंग्वेज अलग होती है। जब किसी बादशाह से बात करवा रहा है तो बादशाह की लैंग्वेज अलग होती है। इन सभी बातों का बहुत ज़्यादा दास्तान को ध्यान रखता है। अगला जुज है तहरीर अंगेज़ी और तजस्सुस। तहरीर अंगेज़ी का मतलब लिखावट ही होता है। तजस्सुस कहते हैं किसी चीज़ के लिए उसका तजस्सुस बने रहना, उसका आश्चर्य, उसका रहस्य बने रहना। दास्तान के वाकया तो बयानात इतने हैरत अंगेज़ होते हैं कि सामे बहुत मबहूत होकर सकता है। कामयाब दास्तान को सुनने वालों की दिलचस्पी और इश्तियाक को ख़त्म नहीं होने देता, बल्कि जज़ियात किस्से के ज़रिए उनकी हैरत व इस्तेजाब को मुसलसल बढ़ाता रहता है। यानी कहानी लिखने वाला दास्तान को इस तरह की कहानी लिखता है
कि सुनने वाले का ताज्जुब उसमें बना रहे, उसका ताज्जुब धीरे 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 बढ़ता जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसका रहस्य बना रहे, तभी उस वो क्या कहलाएगा, एक कामयाब दासानगो कहलाएगा। अगला अहम जुजू है तवालत। तवालत बना है तवील से, तवील का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग। दास्तान की जो कहानी होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है, बड़ी लॉन्ग होती है। दास्तान है उमुमल माइल बा तवालत होती है। हर शे को बेतफसील और जजयात समेत बयान किया जाता है। वसत और फैलाओ दास्तान का बुनियादी मिजाज है। तवालत के लिए ज़मनी किस्सों के अलावा कुदरती मनाजिर, समाजी तकारीब और जादू के करिश्मों वगैरह का मुफस्सिल जिक्र किया जाता है। उर्दू में फसाने अजाइब जैसी मुख्तसर दास्तानें भी मिलती हैं, मगर अक्सर दास्तानें बहुत तवील हैं। तिलिस्म होशरुबा और बोस्तान ख्याल वगैरह वगैरह इस तरह की दास्तानें भी है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। लंबी होने की वजह यह नहीं कि कहानी सीधी सीधी बता दी जाती है। अगर हीरो का हीरोइन से मिलने की अगर बात है तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि हीरो हीरोइन से मिल जाता है फिर उनकी बात होती है, बल्कि दास्तान को ये भी बयान करता है कि उस वक्त मौसम कैसा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, मौसम बड़ा सुहाना होता है, बारिश हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, बादलों का मौसम होता है, मध्यम मध्यम हवा चल रही होती है, इस तरह की सब बातें जब ऐड कर देते हैं उसमें, माहौल मंजर सब चीज़ें ऐड कर देते हैं तो दास्तान बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। अगला जो है अखलाकी पहलू, कुछ अच्छी बात, एक संदेश, एक नैतिकता का मूल्य उसमें डाला जाता है। हर दास्तान और उसका ज़मीनी हिस्सा अपने अंदाज अखलाकी पहलू भी रखता है। उसका अंजाम भी उमूमन तरबिया होता है और नेकी गालिब रहती है। गालिब कहते हैं छा जाना या किसी पर चढ़ जाना, किसी पर बरतरी पाना। इसके मुताले से इंसानी किरदार के मुस्बत खसूसियात, मसलन हमदर्दी, बाहमी मोहब्बत, बहादुरी, फयाजी, ईसार, हसूल मकसद के लिए अज़्म और जद्दोजहद, हक पसंदी वगैरह की तरगीब मिलती है। दास्तान लिखने वाला ना सिर्फ एक कहानी पेश कर देता है और कहानी कैंड कर देता है, बल्कि ये भी ध्यान रखता है कि दास्तान में इस तरह के किरदार पेश किए जाएँ, इस तरह की कहानी पेश की जाए, इस तरह की बातें पेश की जाए कि पढ़ने वाला सुनने वाला सामाइन में कुछ बातें जाहिर हों, उनको दास्तान पढ़ने के बाद सुनने के बाद ये महसूस हो कि नहीं, हम लोगों में आपस में हमें लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, आपस में बाहमी मोहब्बत रखनी चाहिए, हमारे में ईसार का जज्बा होना चाहिए, लोगों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए, जब मुश्किल वक्त आए तो हमारे में जद्दोजहद की हिम्मत वाली बात होनी चाहिए, कुव्वत होनी चाहिए, हमें हमेशा हक के रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें शामिल इंसान में होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें किसमें दास्तान में होनी लाजमी हैं। और आखिरी जुज़ है तहजीब व माशरत की अक्कासी। ये भी दास्तान का एक अहम जुज़ माना जा सकता है। इनका ताल्लुक किसी दूर दराज सरजमीन से होता है और माहौल भी तखयलाती और अजनबी होता है, मगर जिस तहजीब व सकाफत को इस दास्तान में बयान किया जाता है वह मुसन्निफ़ के अपने दौर और माशरत की तहजीब होती है, और ज़बान भी उसी दौर के इस्तेमाल की जाती है जो उस वक्त उसके मुल्क में उसके इलाके में बोली जाती है। आप ये बात सोचें कि अगर एक दास्तान को कोई जिन परी देव भूत की कर कहानी सुना रहा है तो वो ये बताएगा कि आसमान पे कोई ऐसी ज़बान थी, या वो उसी दौर की कहानी बयान कर सकता है जिस दौर में वो रहता है। आपने अगर कोई पुराने किस्से सुने होंगे, पुराने किस्से टेलीविज़न में देखा होगा कि अगर कोई रामायण का किस्सा आ रहा है, कोई रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, तो वहाँ पर कोई लैंग्वेज ऐसी होती है, महाराज फलां फलां प्रकट हो रहे हैं इस वक्त या इस समय, एक शुद्ध हिंदी वाला प्रयोग उसमें किया जाता है। जबकि कोई बादशाही किस्सा बयान किया जा रहा है तो ज़िले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, तखलिया वगैरह इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो दास्तान से ये भी चीज़ ज़ाहिर होती है कि जिस वक्त वो दास्तान लिखी जाती है वो उस वक्त की अक्कासी करता है। अक्कासी कहते हैं किसी चीज़ की नकल उतारना, किसी चीज़ की फ़ोटो खींच कर देना, यानी उस ज़माने में जब ये दास्तान लिखी गई है उस ज़माने में लोग कैसी लैंग्वेज बोला करते थे, और आज के ज़माने में ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो ये थे दास्तान के क्या अज़ाए तरकीबी। अब बात करते हैं उर्दू दास्तान का आगाज़ और इर्तका। आगाज़ कहते हैं प्रारंभ को, इर्तका कहते हैं उसके विकास को। हाउ कैन
स्टार्ट, दास्तान, आगाज़ और इर्तका, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और कैसे ये विकास पाई है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, अब यहीं से आपके सवाल बनने शुरू होंगे, तो यहीं से आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। आइए टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। किस्सा गोई की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो ये इतनी ही कदीम मालूम होती है जितनी कि नतक इंसानी की तारीख, यानी रुए ज़मीन पर जब से इंसानों ने बोदोबाश इख्तियार किया है, ये फ़न किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है। डॉक्टर ज्ञानचंद्र जैन लिखते हैं, ये हुकुमा यूनान के बकौल किस्सा गोई का फ़न शायरी और मौसीकी की देवियों से भी कदीम है, पुराना है। मुमकिन है बाज़ लोक कहानियाँ 5-10 हज़ार साल पेशतर वजूद में आ चुकी हों। आप कहें कि दास्तान कितनी पुरानी है, तो इतनी पुरानी है कि जब लोग इंसान बोलना शुरू किया था, जब इंसान ने बोलना शुरू किया था तब से ही दास्तान यानी कहानी किसे सुनाने का रिवाज उसी ज़माने से चला आ रहा है। किस्सा गोई और दास्तान का फ़न उर्दू ज़बान में अरबी और फारसी के तवस्सुत से पहुँचा। अरबी के मशहूर अफसाने अलिफ लैला, अल सिंदबाद, हातिम ताई को तराजिम के साथ यानी तर्जुमा करके ज़रिए उर्दू में मुंतकिल किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है। अरबों में ज़माने जाहिलियत में ये फ़न बहुत मकबूल था। डॉक्टर ज्ञानचंद लिखते हैं कि अरब में दास्तान गोई बाज़ाब्ता एक फ़न था जो अहद जाहिलियत में उरूज पर था, यानी बहुत टॉप मोस्ट पर था। चांदनी रात में खाने के बाद शायकीन हजरात, शायकीन शौक रखने वाले हजरात, रेत के टीलों पर इकट्ठा हो जाते थे। किस्सा गो किस्सा सुनाता था, उजरत में उसे खजूरें दी जाती थी मेहनताने के रूप में। ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चला करता था, ज़माने जाहिलियत में। ये अरब से मुंतकिल होकर ईरान पहुंचा, वहां उसने फारसी लबादा इख्तियार किया, फिर ईरानी तुजार, तुजार जमा है ताजिर के, ताजिर ने व्यापारी, ईरानी व्यापारियों और सयाहों के ज़रिए इसने हिंद की सरजमीन पर कदम रखा और उर्दूदा तबका ने इस फ़न का पुरजोश और पुरतपाक अंदाज में आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, इसका वेलकम किया और इसे उरूज व बुलंदी की मेराज पर पहुंचा दिया। तुजार जमा किसकी है? ताजिर की, ताजिर यानी व्यापारी, तुजार यानी व्यापारियों, सयाह कहते हैं पर्यटक को। तो इन पर्यटकों के ज़रिए धीरे धीरे कहाँ गई? हिंदुस्तान में आ गई। उर्दू अदब में दास्तान गोई का आगाज़ मुल्ला वजही की दास्तान सबरस 1635 से होता है। यहाँ से बनता है आपका सवाल नंबर एक, सबरस कब लिखी गई? 1635 ईस्वी में। किसने लिखी थी? मुल्ला वजही ने लिखी थी। ये आपके तीन सवाल इसमें तैयार से होता है। लेकिन मुल्ला वजही की ये दास्तान एक तमसीली दास्तान है और इसकी इबारत मुश्किल और पैचीदा है, जिसकी वजह से दास्तान का असल मकसद उससे हासिल नहीं हो सकता। बाकायदा दास्तान गोई जिसमें दास्तान के मकासद का लिहाज किया गया हो 19वीं सदी के इब्तदा से शुरू होती है। पहले अता हुसैन तोहसीन ने किस्सा चारुम दरवेश का तर्जुमा किया, फिर मीर अम्मन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सरपरस्ती में इसी किस्से का तर्जुमा बागो बहार के नाम से सादा और आम फहन जबान में 1803 में तहरीर किया। यहाँ से आपके चार सवाल और। बागो बहार किसका तर्जुमा है? ये तर्जुमा है किस्सा चारुम दरवेश का, तर्जुमा है उर्दू में आसान जबान में। किस्सा चारुम दरवेश कौन सी जबान में है? फारसी जबान में है। बागो बहार का तर्जुमा किसने किया? मीर अम्मन ने किया। कहाँ पर किया? फोर्ट विलियम कॉलेज में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है। किसकी फरमाइश पर या किसकी सरपरस्ती में किया? तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किया। और कब किया? 1803 में किया। ठीक है, लगभग इसको लिखने में 2 साल लग गए थे। ठीक है, फोर्ट विलियम के कॉलेज के तहत कई दास्तानें तहरीर की गई, जिनमें चंद बहुत मकबूल भी हुई, बहुत ज़्यादा फेमस भी उस ज़माने की दास्तानें लिखी हुई। उर्दू की कदीम दास्तानों में किस्सा महर अफरोज़ और दिलबर, नौ तर्ज मुरस्सा, अजाइबुल क़िसस, फसाना अजाइब, बोस्तान ख़याल, दास्तान अमीर हमज़ा, तिलिस्म होश रुबा को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है, सबसे ज़्यादा फेमस हुई है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई दास्तानों में बागो बहार, आरइश महफिल, मजहब इश्क वगैरह बहुत मशहूर हुई हैं। उर्दू दास्तान की तारीख़ के मुताले से पहले एक नज़र उर्दू नसर की तारीख पर डालते हैं। उर्दू में नसर का आगाज़ दक्कन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? दक्कन से। इब्तदा में मजहबी मुबाहस और तबलीगी मौजूदात की कुतुब लिखी गई, जिनमें से अक्सर मवाद वक्त के हाथों ज़ाया हो गया।
ये 15वीं सदी का जमाना था। नसर के इब्तिदा का जिक्र सैयद बंदा नवाज गैसुदराज के तज़किरे के बिना मुकम्मल नहीं होता। आपने मेराजुल आशिकीन नाम से एक रिसाला लिखा था जो तसव्वुफ के बारे में था। ये रिसाला दक्कनी और उर्दू नसर का पहला नमूना कहलाता है। दक्कनी अदब के इब्तदाई ज़माने में कुछ नसरी तसनीफात मिलती हैं जिन्हें बहुत आला दर्जे का अदब करार नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं 16वीं सदी की। 16वीं सदी में दक्कन के मशहूर शायर मुल्ला असदुल्ला वजही ने सबरस लिखी। यह अदब नसर का कामयाब नमूना था। इसका अंदाज़ मुकफ़ा था और इसे ही पहली दास्तान माना जाता है। ये आपका सवाल एक और बनता है, पहली दास्तान किसे माना जाता है? सबरस को। इसकी ज़बान साफ और निखरी हुई है। यह अखलाकी रंग में डूबी हुई सूफियाना कहानी है। ये तमसीली दास्तान या किस्सा 1635 में मंजर आम पर आया। इसके बाद बहुत कुछ लिखा गया जिनकी हैसियत काबिल ज़िक्र नहीं है। लिखा तो गया पर ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। अब बात करते हैं 18वीं सदी की, यानी बीच में एक सदी में बीच में कुछ भी खास लिखा नहीं गया। 18वीं सदी में मोहम्मद कादरी ने तूतीनामा लिखी, तूतीनामा भी कहते हैं। इस तरह दक्कन से शुमाली हिंद में फजली की करबल कथा सामने आती है जो वाकया करबला के तनाजुर में लिखी गई है। करबला कथा किसने लिखी थी? फजल अली फजली ने लिखी थी। 1775 में सैयद हुसैन अता तोहसिन की नौतरज मुरस्सा मंजर आम पर आई। ये फारसी से तर्जुमा है जिसमें चार दरवेशों की कहानी को बड़े रंगीन अंदाज में पेश किया गया। उसे ही बाद में किस्सा चारुम दरवेश नाम दिया गया और आगे चल के वही बागो बहार के रूप में सामने आई। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का क्याम अमल में आया और दरअसल ये उर्दू दास्तान के उरूज का ज़माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज को उर्दू नसर के इर्तका में बहुत अहमियत हासिल है। उर्दू नसर के इर्तका को समझने के लिए 1800 से लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के ज़माने का मुताला नागुजिर है। इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, इसका टॉपिक अलग से आ जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बनाया गया था और इस कॉलेज की बुनियाद थी कि अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना इसका काम था। और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसने उर्दू की खिदमत बहुत ज़्यादा दी है। उर्दू नसर में दास्तान की इब्तिदा का ज़माना एक ही है तकरीबन, जैसा कि हम ऊपर जिक्र करके आए हैं। मुल्ला असदुल्ला वजही के सबरस पहली दास्तान है जो 1635 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी, जबकि शुमाली हिंद में ईसवी खान बहादुर की किस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर है। 1775 में सैयद अता हुसैन तोहसिन की नौतरज मुरस्सा लिखी जो किस्सा चारु दरवेश फारसी का तर्जुमा है। मेहर चंद खत्री ने नौ आई ने हिंदी लिखी और शाह आलम सानी ने अजाइबुल क़िसस लिखी। इन सब का ज़माना करीब करीब एक ही है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि उर्दू दास्तान की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज के खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। जॉन गिलक्रिस्ट ने सारे हिंदुस्तान के उर्दू और हिंदी अदीबों को जमा किया और बहुत सारी नसरी किताबें तहरीर करवाईं जिनमें ज़्यादा काम दास्तानों की सूरत में है जो फारसी, संस्कृत और दूसरी ज़बानों से तराजिम की गई है। यानी फारसी की, संस्कृत की और दूसरी ज़बानों में जो भी था उन सबका उर्दू में क्या करवाया गया? ट्रांसलेशन करवाया गया। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। मीर अम्मन ने दास्तान बागो बहार, हैदर बख्श हैदरी ने आरइश महफिल और तोता कहानी, शेर अली अफसोस ने बाग उर्दू, मजहर अली खान विला ने हफ्ते गुलशन, मिर्ज़ा काजिम अली जवान ने शकुंतला लिखी, मीर बहादुर अली हुसैनी ने अखला के हिंदी, निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क, जबकि लल्लू लाल जी ने सिंहासन बत्तीसी और बैनी नारायण ने चार गुलशन जैसी मशहूर दास्तानें लिखी। ये फोर्ट विलियम के जेरे साया लिखी गई दास्तानें हैं। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इस पेज से सबसे ज़्यादा सवाल आपके बनेंगे। इस ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानें लिखी गईं जिनकी फहरिस्त भी बहुत तवील है, जिनमें शेख अली बख्श की किस्साए नलो दमन, इंशाल्लाह खान इंशा की रानी कीतकी की कहानी, हकीकत बरेलवी की हश्ते गुलजार, मोहम्मद बख्श महजूर की इंशाए नौरतन और रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजाइब, शगुफ़ मोहब्बत,
गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू दास्तानों के आखिरी दौर में ख्वाजा मान दहलवी और मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने बोस्तान ख़याल लिखी, और इसके अलावा दास्तान अमीर हमज़ा और दास्तान अलिफ़ लैला भी उर्दू की अहम दास्तानें हैं। इन सब के नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब बात करते हैं दास्तान के दो अलग अलग दौर, दक्कन में उर्दू दास्तान और शुमाली हिंद में उर्दू दास्तान। पहले बात करते हैं दक्कन के बारे में। दक्कन यानी दक्कन, दक्षिण, साउथ जिसको कहते हैं। उर्दू में तकरीबन तमाम मसनाफ की इब्तदा दक्कन में हुई है। उर्दू की पहली दास्तान सबरस मानी जाती है। इसके मुसन्निफ मुल्ला वजी हैं। इसमें हुस्न इश्क की कश्मकश और इश्क और दिल के मारके को किस्से की सूरत में पेश किया गया है। तूतीनामा या तोता कहानी दक्कनी नसर का दूसरा अहम कारनामा है। ये एक तर्जुमा है लेकिन इसका मुतरजिम ना मालूम है किसने किया है। अनवर सुहैली को आलमी अदब में एक अहम मकाम हासिल है। इस किताब में हुकूमत के उसूल, औरत अखलाकी नसीहतों को कहानी के अंदाज में बयान किया गया है। दक्कनी में इसका तर्जुमा मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी ने किया। किस्सा गुलो हरमिज दक्कनी अदब की अहम दास्तान है। इसमें रोम के शहजादे हरमिज और ख्वारिज्म की शहजादी गुल के इश्क का बयान है। शुमाली हिंद में उर्दू दास्तान। शुमाली हिंद में 18वीं सदी से कबल कोई दास्तान नहीं मिलती। 18वीं सदी के दास्तानों में किस्सा महर अफरोज़, दिलबर, नौतर्ज मुरस्सा और मलिक मोहम्मद वगैती अफरोज़, अजायबुल क़िसस और जज्ब इश्क शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद उर्दू में बेहतरीन और सलीस दास्तानें वजूद में आईं, जिनमें बागो बहार, दास्तान अमीर हमज़ा, निगार खाने चैन, आरइश महफिल, सिंघासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी वगैरह कहानियाँ अहम है। इस दौर में कॉलेज के बाहर भी दास्तानें वजूद में आई हैं, जिनमें इंशाअल्लाह खान इंशा की सिल के गौहर, रानी केत की एक कहानी और मिर्ज़ा रजब अली खान सुरूर की फसाना अजाइब, शगुफा मोहब्बत, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर वगैरह अहमियत की हामिल हैं। शिमाली हिंद में दास्तानों का दौर तकरीबन 100 बरस रहा। कितने सालों तक? 100 सालों तक। फिर मगरबी उलूम की आमद हुई और रफ्ता रफ्ता दास्तानों का रिवाज ख़त्म हो गया। दास्तानें ख़त्म कैसे हुई? मगरबी कॉन्सेप्ट के आने के बाद। अब ये कुछ अहम दास्तानें हैं जिनके नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बागो बहार किसने लिखी है? मीर अमन ने। आरइश महफिल तोता कहानी किसने लिखी है? हैदर बख्श हैदरी ने। दास्तान अमीर हमज़ा लिखी है खलील अली खान मिला ने। नसर बे नज़ीर लिखी है बहादुर अली हुसैनी ने। बेताल पच्चीसी लिखी है लल्लू लाल जी ने और मजहर अली विला ने। सिंघासन बत्तीसी लिखी है काजिम अली जवान और लल्लू लाल कोरी, दोनों कवि दोनों लिखी है। नौरतन मीर मोहम्मद बख्श महजूर ने। फसाना अजाइब रतन अली रजब अली बेग सुरूर ने। गुले सनोबर ये नीमचंद खत्री ने और रानी केत की कहानी लिखी है इंशाअल्लाह खान शाह ने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल इससे बनता है। तो यहाँ पर आपका दास्तान वाला टॉपिक क्या होता है दोस्तों, ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। दास्तान से ज़्यादा कोई सवाल बनने वाले है नहीं, बस लास्ट वाले पेजेस में कौन सी दास्तान किसने लिखी है, पहली दास्तान कौन सी मानी जाती है, इससे कुछ घुमा फिरा कर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में दास्तान से सवाल बनते नहीं हैं। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब आप ना तो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, ना वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, ना ग्रुप्स वगैरह में सेंड कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है मैं आपके आधा कोर्स ही करवा पाऊँ और आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाऊँ, उसका दोष आप मुझे बाद में मत दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, वीडियो को सेंड करते रहिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।